सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है, जैसा कि आप जानते होंगे कि एयरफोर्स की जो सीरीज आपकी चल रही है, उसी सीरीज में हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट, मतलब शाम को 4 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होना है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है। और प्रैक्टिस सेट में जो शाम को 4 बजे आज का टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं एक बार फिर से बता दूं, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि सुबह आपकी क्लास चलती है, एक सुबह 10 बजे आपकी चलती है दोस्तों इंग्लिश की क्लास। जी हाँ दोस्तों, सुबह 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, जो कि एक्स और वाई दोनों के लिए रहती है दोस्तों। और शाम को दोस्तों 4 बजे, शाम को 4 बजे दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, जी हाँ दोस्तों, जो आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, ये भी एक्स और वाई दोनों के लिए रहेगा दोस्तों। जी हाँ, एक्स और वाई दोनों के लिए रहेगा दोस्तों। केवल फर्क इतना रहेगा कि जब ग्रुप एक्स का मैथ और साइंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों, तो उसी टाइम में ग्रुप वाई के लिए आपका रीजनिंग और रागा करवाया जाएगा। ठीक, तो आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, ये सुबह की क्लास है आपकी, ये आपकी शाम की क्लास है, और रात की क्लास जो आपकी 7 बजे है ही दोस्तों, रात की क्लास 7 बजे है ही, ये आपकी रागा की है, जो कि आपकी स्पेशली वाई ग्रुप की है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली वाई ग्रुप की है, अर्थात आप समझ रह गए होंगे कि एक क्लास आपकी स्पेशली वाई ग्रुप की चलती है, बाकी 2 क्लास आपकी यक्स वाई दोनों की चलती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि कम्युनिटी टैब पर आप लोग जा करके वहां बता दीजिए एक बार हमको कि आप लोग यक्स ग्रुप से हैं कि वाई ग्रुप से हैं। जैसा कि अभी तक जो हमने देखा उसमें यक्स वाई ग्रुप, अर्थात बोथ ग्रुप वाले ज्यादा हैं। तो अगर बोथ ग्रुप के ज्यादा रहेंगे दोस्तों, तो ये वाली क्लास हमको बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग वहां पे जाके जरूर अपना वोट दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप यक्स ग्रुप से हैं कि वाई ग्रुप से। तो दोस्तों, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर ऊपर देखिए लिखा हुआ है द स्पीड स्टडी, उस पर क्लिक करिए, वहां से आप कम्युनिटी टैब पे जाइए दोस्तों। और वहां पे मैंने एक पोल डाला हुआ है जहां पे पूछा है हमने कि एयरफोर्स के कितने बच्चे यक्स ग्रुप से हैं, कौन से वाई से ग्रुप से हैं, कौन यक्स वाई ग्रुप से हैं। तो वहां पे जब आप बता देंगे तो हमको आसानी होगी क्लास चलवाने में दोस्तों। तो अगर आप पुरानी क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों अभी तक, प्रैक्टिस सेट अर्थात जो ये 4 बजे वाली क्लास है दोस्तों, इसमें अभी तक 5 क्लास हो चुकी है आपकी, जिसमें से मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करवाया गया है। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, और हम लोग जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट 1 में पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों पैसेज का था, और पैसेज मैंने संडे स्पेशल में करवा दिया है, अर्थात आज जो हमारा प्रश्न रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से रहेगा। ठीक, उसके लिए पहले एक सूचना दे दूं दोस्तों आपको, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, आपको मैं एक सूचना दे दूं दोस्तों, सभी बच्चों के लिए जिनकी आयु 16 से 22 वर्ष है, जी हाँ दोस्तों, जिनकी आयु 16 से 22 वर्ष है, राजीव गांधी जी के, ठीक देखिएगा, राजीव गांधी जी की स्मृति में दोस्तों, राजीव गांधी जी की स्मृति में दोस्तों एक प्रतियोगिता कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी लिखा है युवा जोश। जी हाँ दोस्तों, युवा जोश ये आपकी वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई वेबसाइट की दोस्तों, आप वहां से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। सुनिएगा दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रतियोगिता जिला स्तरीय होगी और हर जिले में प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में लैपटॉप मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो पहले नंबर पर रहेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, जो दूसरे नंबर पर रहेगा उसको जो है मोबाइल दिया जाएगा, और जो तीसरे नंबर पर रहेगा दोस्तों उसको टैबलेट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रतियोगिता का पंजीकरण आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है दोस्तों, और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ना मिले दोस्तों तो ये लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों,
yuvajosh.in, यहां पर आप क्लिक करके दोस्तों अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है। जी हां दोस्तों, इसकी लास्ट डेट दोस्तों 10 सितंबर है। ठीक, इसकी लास्ट डेट 10 सितंबर है दोस्तों। और एक चीज आप लोग और जानिएगा कि जब इसका फॉर्म भरिएगा दोस्तों तो रेफरल कोड मांगेगा, और रेफरल कोड में दोस्तों 3031 डाल दीजिएगा। जी हां दोस्तों, रेफरल कोड मांगेगा और रेफरल कोड में 3031 डाल दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रतियोगिता में आप लोग हिस्सा जरूर लीजिए। केवल सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, और हर जिले के 3 स्टूडेंट को दिया जाएगा, फर्स्ट को लैपटॉप, सेकंड को मोबाइल, और थर्ड बच्चे को टैबलेट दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना जो सेशन है, और आज का सेशन हम लोगों का है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1। जी हां दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका वो है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1। जी हां दोस्तों, देखिए मैंने कहा था कि जो इंग्लिश में 20 प्रश्न आते हैं दोस्तों, चाहे आप यक्स ग्रुप से हो चाहे आप वाई ग्रुप से हो, दोनों के लिए दोस्तों सेम रहता है। ठीक, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 में सबसे पहली चीज तो पैसेज दिया है, और पैसेज में 1 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो ये पैसेज मैं नहीं कराऊंगा, पिछले वीडियो में अर्थात जो संडे स्पेशल में मैं पढ़ाया था उसमें पहला पैसेज मैंने करवा दिया है दोस्तों। तो आज जो हम लोगों का प्रश्न रहेगा आगे से, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। जी हां दोस्तों, 20 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, 20 प्रश्न के बाद जो है फिर आपकी क्लास ओवर होगी दोस्तों। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए दोस्तों, उसके बाद फिर मैं सेशन का स्टार्ट करता हूं दोस्तों। हेलो, एक बार जय हिंद लिख करके आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, एक बार जय हिंद करके कमेंट करिए। दीपक, देवेश, हेलो आर्यन, हेलो अमन, धीरेंद्र प्रताप, जय हिंद, जय हिंद, मेजर आशुतोष, जय हिंद, आप सभी को एक बार जय हिंद, और दिल से जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भी लगा होगा, कह रहा है पैंडोराज बॉक्स। जी हां दोस्तों, पैंडोराज बॉक्स दोस्तों लिखा है, पैंडोराज बॉक्स मींस, और 4 विकल्प दिए हैं, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ एबिल्स, कवर्ड विथ ब्रशेस, और चौथा ऑप्शन है ट्रीट अनफ्रेंडली। जी हां दोस्तों, देखिए पैंडोराज बॉक्स मींस होता है दोस्तों बुराइयों का खजाना, बुरी शक्तियों का खजाना। जी हां दोस्तों, पैंडोराज बॉक्स मतलब होता है दोस्तों बुरी शक्ति का खजाना। तो दोस्तों पैंडोराज बॉक्स मतलब बुरी शक्ति का खजाना होता है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार, दूसरा कलेक्शन ऑफ एविल्स, बुराइयों का भंडार, तीसरा कवर्ड विथ ब्रिसेस, और अगला जो है ट्रीट अनफ्रेंडली। तो ट्रीट अनफ्रेंडली होगा नहीं, मतलब ट्रीट अनफ्रेंडली मतलब होता है गलत व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ एबिल। जी हां दोस्तों, कलेक्शंस ऑफ एबिल, जी हां, तो कलेक्शंस ऑफ एबिल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे पैंडोराज बॉक्स मतलब होता है कि क्या है, बुरी शक्तियों का खजाना, या फिर कलेक्शंस ऑफ एबिल्स, बुराइयों का भंडार। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा है प्रश्न संख्या 6। जैसा कि मैंने सुबह बताया दोस्तों, सुबह वाली क्लास आप लोग जरूर देखा कीजिए, सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखा कीजिए। लिखा है छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, माई अंकल सेड टू मी। जी हां दोस्तों, माई अंकल सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, माई अंकल सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जी हां दोस्तों, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। जी हां दोस्तों, आशीर्वाद दिया जा रहा है,
आशीर्वाद दिया जा रहा है। और मैंने कहा है दोस्तों, चूंकि प्रैक्टिस करा रहा हूं इसलिए ज्यादा विस्तार तो नहीं करूंगा फिर भी, लेकिन विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। और सुबह की जो 10 बजे वाली क्लास है इंग्लिश की, उसमें पूरा बेसिक एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है दोस्तों। और चूंकि ये वाली बैच प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, तो इसलिए इसमें आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। कहीं किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो दोस्तों, तो आप WhatsApp ग्रुप पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों देखिए, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। तो दोस्तों ये क्या किया जा रहा है दोस्तों, आशीर्वाद दिया जा रहा है, और आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेस्ड दोस्तों। क्या होता है, जब भी आशीर्वाद दिया जाए दोस्तों, तो वहां पे ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेड टू को हटाने के लिए दोस्तों ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। और अगर यहीं पर प्लीज रहता, रिक्वेस्ट की जाती दोस्तों, तो यहां पे कॉमनेटेड का हटाने के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते। उसी तरह दोस्तों सजेस्टेड का प्रयोग करते, अगर मान लीजिए कोई सलाह दे रहा है तो वहां पर सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अब जैसे लिखा है माई अंकल सेड टू मी, तो यह हो जाएगा दोस्तों माई अंकल ब्लेस्ड मी। जी हां दोस्तों, मेरे अंकल ने मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया दोस्तों, क्या आशीर्वाद दिया, दैट, क्योंकि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दोस्तों दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट। ठीक, अब देखिए चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, सुनिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। और शॉर्ट ट्रिक ये है, यहां पर क्या है दोस्तों, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मे है, तो मे है, तो मे का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइट हो जाएगा। ठीक, मे का माइट होगा, विल का उड होगा, सेल का सुड होगा। ठीक, तो वही चीज है दोस्तों। तो देखिए दैट, दैट लिखने के बाद अब आप चलिए सब्जेक्ट क्या है यहां पर, देखिए यू है, और यू आपका सेकेंड पर्सन है दोस्तों। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और इसका फार्मूला है दोस्तों 123/sun। जी हां दोस्तों, 123/sun का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन दोस्तों नो चेंज। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज रहेगा। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो परेशान मत होइएगा, जब उसमें 10 बजे वाली में बेसिक से चल रहा है वहां पर बताया जाएगा। और अभी कोई अगर समझना चाहता हो दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा है इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाई RK वाई सर, तो वहां पर देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा विस्तार में 9 क्लास में खत्म किया गया है, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट, दैट के बाद देखिए अब हमको माइट, क्या चीज चाहिए, मे का माइट करना है। तब देख लीजिए चारों ऑप्शन में माइट किस में है, पहले वाले में है माई अंकल ब्लेस्ड मी फॉर लॉन्ग लाइफ, गलत। दूसरे में है माई अंकल ब्लेस्ड मी लिव लॉन्ग, गलत। तीसरा है दोस्तों माई अंकल ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यही सही है दोस्तों, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, तो यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अर्थात केवल आप ये देखिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहां, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में बदलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको जब चेंज करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन में हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑप्शन में ढूंढना है दोस्तों। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो दोस्तों, तो आपको हैड ढूंढना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में। अगर दोस्तों, अगर, और पांच चीज हमने बता ही दिया दोस्तों, विल सेल उड, विल सेल, ठीक, मे, तो विल का उड, सेल का सुड, और मे का माइट दोस्तों। देखिए दोस्तों,
अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखता हूँ दोस्तों, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक। परेशान लेकिन मत होइएगा। तो देखिए, अगर दोस्तों आपका इज आर एम है, ठीक, क्या है दोस्तों इज आर एम है, तो केवल आपको ढूंढना क्या है दोस्तों, आपको ढूंढना है वाज या वेयर, या वाज या वर ढूंढना है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों ट्रिक, जो कि 10 बजे वाली में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि हु कैन सेव आवर कंट्री चेंज द वॉइस। जी हां दोस्तों, हु कैन सेव आवर कंट्री, ठीक, चेंज द वॉइस। जैसा कि मैंने दोस्तों कल बताया था सुबह 10 बजे वाली क्लास में, मैंने बताया था कि जो आपके प्रश्न होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक या दो प्रश्न, और एक या दो प्रश्न वॉइस से रहता है दोस्तों। तो वॉइस में क्या लिखा है, हु कैन सेव आवर कंट्री, हु माने कौन, कैन माने सकता है, सेव माने बचा सकता है, आवर कंट्री मतलब अपने देश को, अपने देश को कौन बचा सकता है दोस्तों, इसका हमको पैसिव वॉइस करना है। और पैसिव वॉइस में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा दोस्तों, केवल आपको इतना करना है दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, चूंकि आपको देखिए पैसिव वॉइस में होता क्या है दोस्तों, पैसिव वॉइस में आपके पास सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जो कुछ होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना मेन रहता है दोस्तों। होता क्या है पैसिव वॉइस में दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। देखिएगा सुनिए, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। आज लाइट नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा गर्मी लग रही है। और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है, और केवल आपको याद क्या करना है दोस्तों, ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है कि किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जी हां दोस्तों, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सुनिएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के लिए सुनिएगा, जो आपका इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, ये आपका कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। जी हां दोस्तों, जो आपका इंडेफिनिट टेंस है वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, और प्लस इसी के साथ दोस्तों बीइंग लग जाता है, ठीक। इंडेफिनिट आपका कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस दोस्तों कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदलेगा। इसमें एक अपवाद है दोस्तों, बिल बी और सैल बी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसको मैं बताऊंगा दोस्तों, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिएगा सुनिएगा दोस्तों, जो आपका परफेक्ट टेंस है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है दोस्तों, परफेक्ट, जी हां दोस्तों, जो आपका परफेक्ट टेंस है दोस्तों वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ये सब ट्रिक है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब वही याद रखनी है। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, तो उसको कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदल दीजिए, बस बाकी सब वही उतरेगा। अगर आपका विल शैल कैन मे ये सब है दोस्तों, तो इसमें केवल आगे बी जुड़ जाता है, विल बी शैल बी कैन बी, ठीक, केवल आगे बी जुड़ जाता है बस दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है कि चेंज द वॉइस, और वॉइस चेंज करना है, हु कैन सेव आवर कंट्री, तो आवर कंट्री। उसके बाद देखिए दोस्तों, कैन लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए हु का प्रयोग है, और जब भी हु का प्रयोग रहे दोस्तों तो बाई हुम पहले लिखा जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका हु का प्रयोग रहे दोस्तों तो सबसे पहले बाई हुम लिखा जाएगा, और कैन आपका कैन बी में होगा, तो आप केवल यही दो चीज देखिए कि बाई हुम कहां है और कैन बी कहां है। तो ऑप्शन नंबर ए हुम लिखा है, अर्थात गलत। ऑप्शन नंबर दो बाई हुम तो लिखा है लेकिन कैन के साथ बी का प्रयोग नहीं किया गया, गलत।
ऑप्शन नंबर 3 बाय हुम भी लिखा है और बी भी लिखा है, अर्थात दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सर्व्ड। जी हां दोस्तों, बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सर्व्ड, ये है दोस्तों इसका पैसिव वॉइस। किसी को कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो तो बताइए दोस्तों। ट्रिक केवल याद रखिए, और ट्रिक में केवल ये याद रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपकी किस में चेंज होगी, तो जो कैन है दोस्तों ये आपका कैन बी में चेंज होता है। केवल यही देख लीजिए ऑप्शन में कि कहां पर आपको कैन बी मिल रहा है दोस्तों, और जहां पर आपको कैन बी मिलेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मजा आ रही हो दोस्तों तो जय हिंद जरूर लिखिए, और लिख के बताइए हमको कि मजा आ रही है कि नहीं। मजा आ रही हो दोस्तों तो जय हिंद जरूर लिखें। मोहित, दीपक, दिवेश, जय हिंद, जय हिंद, आशीष, जय हिंद सर। सुबह वाली क्लास कितने बजे चलती है? सुबह वाली 10 बजे चलती है, और अभी वाली 4 बजे चलती है, और शाम वाली दोस्तों आपकी 7 बजे चलती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, और अगला प्रश्न आपका है 8वां प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि स्पॉट द मिस स्पेल्ट। जी हाँ दोस्तों, मिस स्पेल्ट का क्वेश्चन है। मिस स्पेल्ट का मतलब दोस्तों इसमें जो आपकी मीनिंग है दोस्तों वो गलत लिखी हुई है, और मीनिंग जो गलत लिखी हुई है दोस्तों उसको सही करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अर्थात 8वां क्वेश्चन जो है वो मिस स्पेल्ट का है। तो दोस्तों ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ऑर्केस्ट्रा होता है। जी हां दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा, जी हां दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा है ये, कहा ऑर्केस्ट्रा जाता है लेकिन दोस्तों लिखा ऑर्केस्ट्रा जाता है। तो जो 8वें का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 8वें का सही जवाब हो जाएगा ऑर्केस्ट्रा। तो रिफरेंस मतलब दोस्तों संदर्भ होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेटेड, जी हाँ दोस्तों, इलस्ट्रेटेड और कंबर, तो ये चीज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8वें का, 8वें का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला। आगे दोस्तों चलते हैं 9वें प्रश्न पर, और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है सिनोनिम ऑफ लैक्सिटी। जी हाँ दोस्तों, लैक्सिटी, एल ए एक्स आई टी वाई। जी हाँ दोस्तों, एल ए एक्स आई टी वाई। दोस्तों लैक्सिटी माने होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। क्या कह रहे हैं देवेश, सर इलुस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है देवेश? इलुस्ट्रेटेड मतलब होता है सचित्र, इलुस्ट्रेटेड मतलब होता है सचित्र, और कुकुम्बर मतलब होता है, हाँ देवेश मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, कुकुम्बर मतलब होता है खीरा या ककड़ी। जो पिछले ऑप्शन में 2 ऑप्शन थे दोस्तों, इलुस्ट्रेटेड एक ऑप्शन था, मैं देख रहा हूं मोहित, सुनेश, क्या नाम है आपका, सत्यदानंद त्रिपाठी, आपका कमेंट मैं देख रहा हूं, देखिएगा लिख लीजिए। इलुस्ट्रेटेड मतलब होता है सचित्र, और कुकुम्बर मतलब होता है दोस्तों खीरा या ककड़ी, जो खाई जाती है खीरा या ककड़ी, ठीक। तो वही चीज है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों लैक्सिटी। देखिए लैक्सिटी मतलब होता है दोस्तों ढिलाई या ढीलापन जो होता है, शिथिलता जो होती है उसे लैक्सिटी कहते हैं, ठीक। क्या बताया हमने, ढीलापन हो गया, शिथिलता हो गया, मुला मतलब कि देखिए जो लचीला होता है एक प्रकार से, वही चीज आपका है लैक्सिटी। और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्लैकनेस। जी हाँ दोस्तों, स्लैकनेस सिनोनिम से पूछा है दोस्तों, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लैकनेस, एस एल ए सी के एन ई डबल एस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो स्लैकनेस हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही ऑप्शन है। इसी में देखिए आगे लिखा है एक्साइटेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्साइटेशन मतलब होता है उत्तेजना, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है दोस्तों तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है तीव्रता, और सगेस्टिव मतलब होता है दोस्तों सजेस्ट करना किसी को, उसी से बना हुआ है उद्दीपक। जी हाँ दोस्तों, सजेस्टिव मतलब उद्दीपक, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लिख सकते हैं मीनिंग। सजेस्टिव मतलब उद्दीपन, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या तीव्रता, बारंबारता, और वहीं एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन मतलब होता है दोस्तों उत्तेजना, और लैक्सिटी मतलब आपको बताया ही मैंने शिथिलता हो गया या लचीलापन हो गया, तो वो आपका क्या है लैक्सिटी है। अगला देखते हैं 10वां दोस्तों, 10वां आपका है एंटोनिम। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा है कि एक आपका पैसिव वॉइस, एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक आपका एंटोनिम, एक आपका सिनोनिम, ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, और हमको बताना क्या है दोस्तों, कह रहा है एंटोनिम ऑफ अफेबल। जी हाँ दोस्तों, अफेबल, ए डबल एफ ए बी एल ई। जी हाँ दोस्तों,
ए डबल एफ ए बी एल ई अफेबल। दोस्तों अफेबल मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि अफेबल मतलब होता क्या है। दोस्तों देखिए कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, सब चीज एकदम सरल भाषा में आपको मिलेगी यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, सब चीज सरल भाषा में मिलेगी। जो आपकी बेसिक क्लास है अर्थात एकदम स्टार्टिंग से, वो सुबह 10 बजे चल रही है इंग्लिश की। अभी जो चल रही है आपको प्रैक्टिस बैच चल रही है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा, पीडीएफ इसकी आपको वहाँ पर मिलेगी। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आ रहा हो तो जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रहा हो दोस्तों जय हिंद लिखिए, मजा आ रहा हो दोस्तों तो जय हिंद लिखिए। देखिए अफेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, अफेबल मतलब होता है दोस्तों मिलनसार। जी हाँ दोस्तों, अफेबल मतलब होता है मिलनसार। अफेबल लिखा है दोस्तों और अफेबल मतलब होता है दोस्तों मिलनसार, ठीक। वही देखिए दोस्तों आगे लिखा है हॉटी, क्योंकि देखिए इसका अपोजिट बताना है तो मिलनसार, और मिलनसार का होता है घमंडी। जैसे कहेंगे ना कि अरे भाई बहुत बहुत अच्छा आदमी है, जहन से देखा वही से मित्रता हो जाता है। तो मित्रता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दुश्मनी अर्थात घमंडी इंसान। तो घमंडी इंसान का क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉटी। देख रहे होंगे इसमें आप ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन है दोस्तों, हॉटी। हॉटी मतलब होता है दोस्तों अभिमानी, एच ए यू जी एच टी वाई, हॉटी मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। तो आप लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए दोस्तों, हॉटी, हॉटी मींस अभिमानी। वही बोर लिखा है, बोर का मतलब होता है दोस्तों नीरस। जी हाँ, बोर कहीं बोर होते ही, तो बोर का मतलब नीरस होता है दोस्तों। और वही डेबिट, डेबिट का मतलब होता है नाम खाता, नाम खाता। अगली लिखा है दोस्तों, अगली माने होता है बदसूरत। जी हाँ दोस्तों, अगली माने होता है बदसूरत। डल, डल मतलब होता है दोस्तों धीमा। जी हाँ दोस्तों, कहेंगे ना जैसे इसका कलर डल हो गया, तो डल हो गया मतलब इसका कलर धीमा हो गया। मोहित कह रहे हैं कि सर बहुत गर्मी है छोड़ दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है मोहित, कोई बात नहीं, गर्मी गर्मी से मतलब नहीं है। देखिए परिश्रम करिए, परिश्रम करिए और मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूं दोस्तों, और आपके लिए सदैव लगा रहूंगा दोस्तों। और आपको जब तक सफलता नहीं मिल जाती, इस पसीने की कीमत अगर आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं मानूंगा कि हमारा ये पसीना जो मैंने बहाया वो हमारे बच्चों के काम आया, और मैं सफल मानूंगा अपने आप को दोस्तों। तो केवल आप पढ़ाई कीजिए, पसीने से कोई मतलब नहीं है। कितनी भी विपत्ति आए दोस्तों, पसीना हो, बारिश हो, भूकंप हो, चाहे जैसा भी माहौल हो दोस्तों, पढ़ाई नहीं छोड़ना है और नौकरी लेकर रहना है दोस्तों। और नौकरी मैं जरूर दिलवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, इतना पढ़ा दूंगा आपको कि दोस्तों बाहर से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अर्थात अफेबल का मतलब मिलनसार, और हॉटी, हॉटी का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। जी हाँ दोस्तों, तो आप रुकिएगा एक मिनट में आता हूं, कहीं जाइएगा मत आप लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे 10वां, आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, और क्या कह रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है दोस्तों, गिव वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए बुक ऑफ अकाउंट शोविंग डेबिट्स एंड क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, ए बुक ऑफ अकाउंट्स, एक ए बुक मतलब एक किताब, ऑफ अकाउंट मतलब खाते की, सोविंग माने जो दिखाता हो, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मतलब जमा और निकासी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किताब जो जमा और निकासी को दिखाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, पहला लीडर, दूसरा बजट, तीसरा प्रॉफिट, और अगला जो है दोस्तों बी ग्रेड। देखिए बजट का मतलब होता है बजट, जो आप जानते होंगे दोस्तों, बजट का मतलब होता है बजट, डेबिट का मतलब होता है जमा, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो देखिए दोस्तों, और इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों,
एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या, लीडर दिख रहा होगा दोस्तों, इसको इसमें डी साइलेंट है आपका, इसको लीगर पढ़ा जाएगा दोस्तों, और लीगर का मतलब होता है बही खाता। जी हाँ दोस्तों, बही खाता, जो अकाउंटेंट पढ़े होंगे अर्थात इंटर कॉमर्स से पढ़े होंगे दोस्तों उनको समझ में आएगा, लेकिन इसमें इंटर कॉमर्स पढ़ा नहीं होगा क्योंकि एयरफोर्स में कॉमर्स वाले नहीं रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लीडर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लीगर। आगे लिखा है 12th 12 नंबर फेमिनिन। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन का क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन का क्वेश्चन है, और कह रहा है नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है दोस्तों भतीजा। जी हाँ, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, इसका स्त्रीलिंग बताइए दोस्तों अर्थात भतीजी। भतीजी की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए भतीजी की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भतीजी की इंग्लिश क्या होगी। इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, गूगल से सर्च कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। जी हां दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कह रहा है प्लूरल। जी हां दोस्तों, मतलब बहुवचन बताइए बेंच, बेंच का बहुवचन। जी हां दोस्तों, बी ई एन सी एच। जी हाँ दोस्तों, बेंच का बहुवचन बताइए दोस्तों, बेंच का बहुवचन बताइए, पहला बेंच, दूसरा बेंच, और चौथा बंच। देखिए बंच जो है गुच्छा, बेंच और बेंच जो है, ये बेंच तो बेंच हो ही गई दोस्तों, और बेंच होगा नहीं, तो दोस्तों बेंच का जो बहुवचन होगा वो बेंचेज होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी अंत में च मिले, अंत में जब उच्चारण करने से च मिले दोस्तों, तो उसमें ईएस लगाते हैं। हाँ, अगर उच्चारण करने पे दोस्तों च मिले तो उसमें ईएस लगाते हैं, जब नाउन वाला सेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। जी हाँ दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर दोस्तों, और 14वां कह रहा है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी फॉल। जी हाँ दोस्तों, बी फॉल का पास्ट पार्टिसिपल बताइए। जी हाँ दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है दोस्तों उसका थर्ड फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जो आपकी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, और आईएनजी फॉर्म अगर पूछता है तो आईएनजी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए बी फॉल का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा दोस्तों, तो फॉल, फॉलन, फॉलन, तो फॉलन होना चाहिए, और बी लगा है तो आगे बी लगा दीजिए, अर्थात बी फॉलन। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा बी फॉलन। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव बताना है हमको, एडजेक्टिव ऑफ अफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अफेक्शन का एडजेक्टिव बताना है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा दोस्तों। अफेक्शन मतलब होता है दोस्तों प्रेम या स्नेह। ठीक, अगर आप क्लास 10th में पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला द गंगा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका अफेक्शन बताया गया है। ठीक, अफेक्शन का मतलब होता है दोस्तों प्रेम व स्नेह। तो देखिए इसका आपको एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव ऑफ अफेक्शन। तो इसका एडजेक्टिव जब आप बताएंगे दोस्तों, तो देखिए इफेक्टिव कोई मतलब नहीं है, अफेक्ट कोई मतलब नहीं है, अफेक्टेंटली इसका भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अफेक्शनेट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों अफेक्शनेट। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा। अफेक्शन जो है आपका नाउन है। जी हाँ दोस्तों, अफेक्शन आपका नाउन है, और इसका जब एडजेक्टिव करेंगे दोस्तों तो अफेक्शनेट हो जाएगा। ठीक, इसका जब एडजेक्टिव करेंगे दोस्तों तो अफेक्शनेट हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, लिखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन 16 से 20 तक का जो क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और उसको आप लोग भरिए। जी हाँ दोस्तों, 16 से 20 अर्थात 4 क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 16 से 20 अर्थात 4 क्वेश्चन आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं। पहला क्या कह रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ही इज माई रिस्पेक्टेड।
डॉट डॉट ब्रदर, ही माने या इज माने है, माई माने मेरा, रिस्पेक्टेड माने सम्माननीय, ब्रदर माने भाई। अब कौन सा भाई है, एल्डर भाई है, ओल्डर भाई है, यंगर भाई है, यंगेस्ट भाई है? तो दोस्तों अगर यंगेस्ट होता, जी हाँ दोस्तों एक मिनट में देख लेता हूं, कि यानी कि ओल्डर भाई है कि एल्डर भाई है कि यंगर भाई है कि यंगेस्ट भाई है, अगर यंगेस्ट होता तो दोस्तों देखिए यंगेस्ट का मतलब होता है दोस्तों क्या हुआ, एल्डर मतलब बड़ा भाई, यंगर मतलब छोटा भाई। तो अगर छोटा भाई है तो रिस्पेक्टेड की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, अर्थात 16वें प्रश्न का आप जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एल्डर ब्रदर। जी हां दोस्तों 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एल्डर। वही आगे चलते हैं दोस्तों, लेट डॉट डॉट डू इट, लेट माने आओ, डॉट डॉट डू इट इसे करें। चार ऑप्शन दिया गया है, योर एंड माई मतलब तुम्हारा और मेरा, योर एंड माई तुम्हारा और मेरा, यू एंड मी। जब भी आपका इस तरह का प्रश्न रहे दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अगर तीनों चीज मिल जाए, तो क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं दोस्तों, तो अगर ये तीनों चीज मिल जाए तो होता क्या है कि जो लिखा जाता है आपका 2 3 1 ये लिखने का क्रम है दोस्तों, उसके बाद अगर नॉर्मल है तब ये रहता है। तो इसमें देखिए 2 और 3 है नहीं दोस्तों, तो 2 के बाद कौन सा हो जाएगा, 1, यानी कि सबसे पहले दोस्तों यू हो जाएगा, उसके बाद एंड, उसके बाद 1 हो जाएगा यानी कि आई मतलब सेकेंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। दोस्तों जब भी कोई नॉर्मल लिखना रहेगा अगर आपको तीनों पर्सन मिल जाते हैं तो 2 3 1 लिखा जाता है दोस्तों, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इट वाज डॉट डॉट हु हेल्प्ड हिम, इट माने यह, वाज माने था, डॉट डॉट हु माने जिसने, हेल्प माने मदद की, हिम माने उसकी, मतलब कि यह कौन था, मतलब डॉट डॉट के कौन, हेल्प्ड हिम मतलब कि उसकी मदद की, तो डॉट डॉट के जहां क्या भरा जाएगा, क्या आई भरा जाएगा, ही वाज आई, इट वाज आई, या मैं था, हु हेल्प्ड हिम जो उसकी मदद की, या इट वाज माइन या मेरा था, मैं था जो उसकी मदद की, इट वाज माई या मैं था जो उसकी मदद की, इट वाज माई सेल्फ या मैं था जो उसकी मदद की, अर्थात यहां पर सही क्या होगा दोस्तों ये बताना है हमको। तो देखिए जो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इट वाज आई या मैं हूं, हु हेल्प्ड हिम जो उसकी मदद की। तो दोस्तों यहां पे जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा और सब्जेक्टिव केस आपका आई है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा पहला, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला। अगला लिखा है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट रेडी टू हेल्प, जी हाँ दोस्तों आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आएज डॉट डॉट आएज, ये सब चीज अगर मिल जाए दोस्तों तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है दोस्तों नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो यहां पे हिज फ्रेंड्स है दोस्तों, और हिज फ्रेंड्स आपका क्या है, हिज फ्रेंड्स आपका बहुवचन है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी दोस्तों यहां पे वो बहुवचन लिखी जाएगी। अब देखिए इज है, इज आपका बहुवचन है नहीं, हैज है आपका बहुवचन है नहीं, हैव है तो दोस्तों हैव तो होगा नहीं, तो हो क्या जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, यानी कि नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड आर रेडी टू हेल्प, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अगला दोस्तों लिखा है, ही वाज पेटी रूड माई फैमिली, जी हाँ दोस्तों रूड माने होता है असभ्य या अशिक्षित, ही वाज पेटी रूड। अब देखिए यहां पे भरना है, प्रीपोजिशन भरना है दोस्तों, फॉर लगेगा, ऑफ लगेगा, विथ लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा ये आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करिए और देखता हूं कि क्या आप इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों ही वाज पेटी रूड टू माई फैमिली होगा दोस्तों, कि वह मेरे परिवार के प्रति क्या है,
पेटी र्यूड मतलब कि घमंडी है या असभ्य है, तो वो चीज है। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर चार जो होगा वो आपका सही जवाब होगा दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। और हाँ, शाम को 7 बजे आना ना भूलिएगा। अगली क्लास आपकी जो चलेगी दोस्तों वो शाम को 7 बजे चलेगी, और शाम को 7 बजे दोस्तों रागा की क्वेश्चन बताए जाएंगे। और रागा के क्वेश्चन जो आपको बताए जाएंगे वो भी एकदम बेसिक से बताए जाएंगे दोस्तों, अर्थात जो सुबह 10 बजे वाली है और जो शाम को 7 बजे वाली है, ये दोनों बेसिक क्लास है दोस्तों स्टार्टिंग से। और जो 4 बजे की क्लास है दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए है जो स्पीड में पढ़ना चाहते हो दोस्तों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको बता दी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। और एक बार जय हिंद बोलिए और वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद बोलिए और मैं वीडियो को समाप्त करूँ दोस्तों। तो नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।